आज हम आपको करेले बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमको चाहिए करेले, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया। धनिया हमने लिया है 2 चम्मच, हल्दी ली है 1 चम्मच, ये है हमारा आमचूर पाउडर, ये भी हमने लगभग 1.5 चम्मच के आसपास लिया है। जीरा हमने लिया है 1 चम्मच और सौंफ ली है लगभग 2 चम्मच के आसपास। अब हम करेले को छील लेंगे। हमने करेले छील लिए हैं और उसमें जीरा लगा दिया है इस तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि इसकी कड़वाहट कम हो जाए। इसको नमक डाल के रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। हमने प्याज काट के तैयार कर लिया है, ये लहसुन, जीरा, सौंफ और मिर्ची, इन सबको हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमें पीस के रेडी कर लेना है। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च 2 चम्मच, सौंफ, जीरा। अब हम इसको मिक्स पीस लेते हैं। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें हम मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालेंगे लगभग 1 चम्मच, जिसमें कि वो हमने जो मसाला पीसा है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और वो इसमें सिक जाए। जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसको हम, तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसको पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। हम इसको भून लेंगे जब तक ये पूरा अच्छे से लाल ना हो जाए। अब हम इसमें ये जो हल्दी है, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया और ये आमचूर पाउडर 1.5 चम्मच, इसको जब तक भूनना है तब तक ये तेल ना छोड़ दे और लाल ना हो जाए। और इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे जब ये सिक जाएगा। इसके बाद 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको बॉईल कर लेंगे। पहले हम इसे वॉश कर लेते हैं जिससे कि इसकी कड़वाहट कम हो जाए। एक गिलास पानी डाला है और इसको गरम कर लेंगे।
40% बॉईल कर लेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसको पकने देना है। ये हमारा मसाला रेडी हो रहा है। देखिए हम बैंगन के अंदर यह हमारा मसाला सिक्के रेडी हो गया है। करेले हैं ये बॉईल हो गए हैं, अब हम इसको छलनी में निकाल लेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मसाला निकाल लिया, अब हम इसमें तेल डालेंगे। अब हम ये जो करेले हैं उनको फ्राई कर लेंगे। हम इनको मीडियम आंच में पकने देंगे। हमको इनको जब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्के से लाल लाल ना हो जाए। यह हमारा मसाला है, हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। ये हमारा हमने इसमें नमक मिक्स कर लिया है। ये जो हमारे करेले हम इसको फ्राई कर रहे हैं ये जब सिक जाएंगे इसके अंदर हम इस मसाले को भर देंगे। हमारे करेले अब हम इनको इसे पलट देंगे, देखेंगे अब हमारे करेले लाल लाल सिक गए हैं। हमारे करेले सिक्के रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस को बंद कर देंगे। हमारे सिक्के तैयार हो गए हैं। ये जब ठंडे हो जाएंगे ये जो मसाला है हम इसको करेले के अंदर भर देते हैं। इस तरीके से मसाला अच्छे से कूल कर देते हैं। मसाला भर के रेडी कर लिया है, अब हम इन बैंगन को थोड़ी देर तक 5 मिनट तक फिर से कढ़ाई में डाल देंगे और दोनों पकने देंगे।
हमने फ्राइंग पैन में बिल्कुल थोड़ा सा एक चम्मच के आसपास ऑयल डाल दिया है। अब हमने करेले भर के रखे हैं, अब इसको हम बहुत धीमी आंच में पकने देंगे। जिससे कि मसाला और करेले दोनों में घुल जाए, ऐसे हम बस धीमी आंच में इसको पकने देंगे। हमने इसको ढक दिया, 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। इसको हमें फिर से थोड़ा सा 4 मिनट पकने के बाद इसको ऐसे हल्के से मोड़ देंगे, टर्न कर लेंगे, दोनों तरफ सिक जाए। ये पक गए हैं। अब हम करेले हमारे अब बन के रेडी हो गए हैं। हमारा करेला बन के रेडी हो गया। हम इसे गैस स्टोव को बंद कर देंगे। हमारे स्वादिष्ट करेले तैयार हैं। ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। हम इसको तुअर की दाल के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। धन्यवाद।